हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण शर्मा और आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने क्या किया था, कुछ सर्टन रूल्स बनाए थे जिसके साथ हम मोशन को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मोशन किस तरह है और क्या चीज है मोशन, है ना। तो मोशन में देखो क्या है कि अगर हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें मोशन के बारे में बात की थी कि मोशन क्या है हमारा। तो मोशन देखो क्या था कि अगर हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर उसकी पोजीशन और उसकी उसकी शेप में जो चेंज आ रहा है उसको हम कह रहे थे कि वो क्या है, मोशन है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन में मूवमेंट हो रही है ना। तो मोशन में किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है मतलब किसी भी पोजीशन चेंज होने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी चाहिए होगी तो उसके लिए देखो अगर उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है तो हम कहते हैं उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गई, वो अपनी पोजीशन से क्या हो गया, थोड़ा सा मूव करके आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई वेलोसिटी। अब जब वो वेलोसिटी आ गई तो इसके साथ वेलोसिटी होने के लिए उसके कुछ हमें वहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू देनी पड़ेगी, हमें कुछ एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी को भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मतलब वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन आ गई मतलब हमारी चेंज इन वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो हमारा मोशन हो गया। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए, अब देखो ऐसे कोई चीज मान लो मेरे पास ये कोई डस्टर पड़ा है, मान लो ये मेरा डस्टर पड़ा है ऐसे। अब देखो ये डस्टर ऐसे पड़ा रहेगा जब तक मैं इसको ना हिलाऊं, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो जो ये डस्टर की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर हमें डस्टर की पोजीशन को चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखो मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे अपनी फिंगर के साथ, तो डस्टर क्या कर गया, मूव कर गया, मतलब इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। तो देखो बिना एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी वो चेंज नहीं हुई, मतलब बिना फोर्स की फोर्स लगाए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो रहेगी, कुछ नहीं आ सकती। मतलब एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हमें कुछ उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। तो देखो अब इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स को रिड्यूस करेंगे, है ना। तो पूरा चैप्टर क्या है, इसमें फोर्स और मोशन के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि फोर्स और मोशन में आपस में क्या रिलेशन है और इसके जो न्यूटन ने कुछ रूल्स बनाए थे और उनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देखो बात करते हैं फोर्स की। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स भी कुछ डिपेंड करेगी, इस नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस नेचर की फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। तो देखो फोर्स को कैटेगराइज किया गया वहां पे, फर्स्ट जो फोर्स होती है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिसको हम फील करते हैं, हम अभी फील कर रहे हैं कि हम जो अर्थ के साथ खड़े हैं हम चल फिर सकते हैं और ये मैं फेंक रहा हूँ ऊपर और ये नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्स्ट नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये सबसे ज्यादा होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेकंड हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारे पास कि देखो कुछ फोर्स ऐसी होती है, जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, सेम चार्ज है, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, तो दोनों वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आ गई हमारी न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा हमने, एटम्स पढ़े हैं कि हर एक चीज जो भी है वो एटम्स से बनी है और एटम्स में क्या है, न्यूक्लियस है। और ये फोर्स उसी को डिफाइन करती है कि जो फोर्स न्यूक्लियस के बीच में होती है वो क्या होती है, हमारी न्यूक्लियर फोर्स। अब इसको थर्ड नंबर पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक फोर्स माना जाता है इसको और शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है। अब देखो फोर्थ है हमारी वीक फोर्सेस,
वीक फोर्स ऐसे नाम से वीक है, तो मतलब ये वीक फोर्स है और ये वेरी शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब देखो हम बात करेंगे, तो ये है हमारे नेचर ऑफ फोर्स, मतलब नेचर क्या है। अब देखो अगर मान लो कोई चीज़ किसी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो मतलब दोनों तरफ से अगर बात करें तो जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करते हैं फर्स्ट लॉ, तो हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ मेनली जो बेस है हमारा, फर्स्ट लॉ मेनली डिपेंड करता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स के ऊपर, है ना, बैलेंस्ड फोर्स। तो देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है कि बैलेंस्ड फोर्स होगा कि दोनों तरफ से क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगी। उस टाइम क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो देखो क्या है कि मान लो मेरे पास एक ये है सरफेस, हम बात करें यहाँ पे मेरे पास बहुत पड़ा है 5 kg का, तो एक पर्सन इस तरफ से इसको फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन इस तरफ से इसको फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है मेरे पास। तो देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इस साइड से फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे 5 kg, ठीक है, इसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रही है वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रही है, नेट फोर्स क्या हो रही है, वहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 है, उसलिए हमारी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जो हमारी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा कि हमारे पास दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स है, अगर मान लो जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी फोर्स ये लगा रहा है, तो हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। तो मतलब फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि अंटिल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उतना टाइम हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव द बॉडी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स 0 के इक्वल है, तो उस टाइम हमारा जो बॉक्स है वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ था कि जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये डस्टर था, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, चाहे 2 दिन पड़ा रहे, 3 दिन, चाहे पूरा साल ऐसे पड़ा रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि जब तक इसको कोई फोर्स नहीं लग रही उस टाइम इसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, मतलब ये रेस्ट पे रहेगा। और सेकंड केस क्या था कि अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो रहा है, तो उस टाइम भी हमारे जो चीज़ की पोजीशन है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बॉडी की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब ये डस्टर था, इस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस टाइम भी जो मेरी डस्टर की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो मतलब सेकंड केस ये होगा कि अगर दोनों साइड से बैलेंस्ड फोर्स हमारे पास है, तो उस टाइम भी हमारी जो फोर्स है वो यहाँ पे 0 रहेगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की वजह से हमारा जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। अब देखो सेकेंड लॉ में क्या था कि देखो ये मेनली डिपेंड करता है हमारे कि अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। देखो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि देखो इसमें अनबैलेंस्ड है, मतलब अगर आप फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी कोई बॉडी है वो मूव करेगी, उसके पास कुछ वैल्यू होगी हमारी वेलोसिटी की, या कह लो उसमें उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगी जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। क्या हुआ कि मतलब वो बैलेंस नहीं है, मतलब अगर 2 पर्सन है हमारे पास, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक के पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है मेरा बॉक्स 5 kg और ये मेरा कोई प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, इसका कम है, तो हमारा बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ हमारा बॉक्स मूव करेगा, अगर ये पर्सन जो ए, मान लो ये हमारा ए पर्सन है, ये बी है, ए के पास जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है बी के कंपेरिजन, ठीक है, तो ए क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा और बॉक्स को इस तरफ मूव कर देगा। तो देखो अगर बॉक्स हमारा इस तरफ मूव हो गया और बॉक्स की पोजीशन चेंज हो गई, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा
यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी वेलोसिटी, मतलब इस टाइम हमारे पास जो वेलोसिटी है, जो हमारे यहाँ पे वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन होगी। इस केस में क्या था, हमारी जो वेलोसिटी थी वो इक्वल टू जीरो थी, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करेगी हमारी फोर्स और मास के ऊपर, ठीक है। कि अगर देखो मान लो मेरे पास ज़्यादा बड़ा बॉक्स है, मान लो मेरे पास 10 kg का बॉक्स है और मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ी दूर जो है मूव करवा सकता हूँ, रदर देन मेरे पास कोई छोटा सा बॉक्स है और उसको मैं बहुत दूर तक मूव करवा सकता हूँ। तो मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि उसका मास कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो हमारा एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एम ए। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, ए मतलब हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बन गया। और इसकी बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि मान लो कि क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो, ठीक है, दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ की बात करेंगे। अब देखो थर्ड लॉ की बात क्या करनी है कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो भी एक्शन होगा उसका एक रिएक्शन जरूर होगा, हर एक एक्शन का हमारे पास एक रिएक्शन जरूर होगा, ठीक है। हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि मान लो कि अगर हम एक बॉल है हमारे पास, उसको हम दीवार के साथ मार रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने बॉल को दीवार के साथ मारा ऐसे करके तो वो मेरे पास वापस आ रही है, ठीक है। ये वापस क्यों आ रही है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है वो दीवार ने बॉल के ऊपर लगाई है। तो जहाँ इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये मेरी एक दीवार है ऐसे, और कोई पर्सन है यहाँ पे हमारे पास, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। देखो जितनी फोर्स इसके हैंड दीवार के ऊपर लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स जो दीवार है वो इसके हैंड के ऊपर लगा रही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर पर्सन इस साइड फोर्स लगा रहा है और हमारी जो बॉल है वो हैंड के ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगी, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएगी, बट जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी ऑपोजिट होगी। यानी अगर पर्सन जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ए मतलब इसको हम ए कह रहे हैं और जो दीवार है हम उसको बी कह रहे हैं, तो मान लो फोर्स ए मतलब एफ ए जो पर्सन लगा रहा है बी के ऊपर, ठीक है, ए किसकी इक्वल होगी, मान लो वो है हमारी एफ नॉट की इक्वल, ठीक है, और जो दीवार फोर्स लगा रही है एफ बी उसको क्या कहेंगे, एफ बी। अब बी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर, मतलब जो हमारी दीवार है वॉल है वो हैंड्स के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उसको हम कहेंगे एफ नॉट, नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, यहाँ पे ऑपोजिट होगी, ठीक है। अगर हैंड इस साइड फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार हमारे ऊपर इस साइड फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर हम बात करें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड जो फोर्स लगाएगा, मान लो ए फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर और जब बी फोर्स लगाएगा ए के ऊपर तो तब हम वहाँ पे क्या लगेंगे, नेगेटिव साइन लगेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हमारे पास हर एक एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। कि तो न्यूटन ने क्या किया, उसको फिजिक्स में एक रूल बना के दे दिया, लेकिन एक्चुअल हम अगर डेली लाइफ में देखें तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम दीवार के साथ टकरा रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, हमें जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि हमारे ऊपर जो दीवार है वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो दिस इज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके बाद हम कुछ इसकी जो है एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, आपको फोर्स दिया होगा, जब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, जब मास होगा तो आपने उसमें से एफ और ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।